रविंद्र सिंह आपके साथ और मरुधरा में प्रचंड जीत से बम बम बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सीएम फेस को लेकर कौन होगा मुख्यमंत्री। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी और सियासी बाजार में कई नामों के कयास अटकलें संभावनाएं जताई जा रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ का नाम चर्चाओं में बना हुआ, इसके अलावा भी कई नाम आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजर बीजेपी हाईकमान पर है क्योंकि अंतिम फैसला तो वहीं से होना है। तो क्या बीजेपी हाईकमान अपने फैसले से राजस्थान को चौंका देगा? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान का नया मुखिया कौन हो सकता है। पहले एक रिपोर्ट देखें। कुर्सी के कई दावेदार, किसके भाग्य में राज? सीएम का फेस, जयपुर से दिल्ली तक रेस। बीजेपी की असली पिक्चर अभी बाकी है। सीएम की बारी, दिल्ली में मंथन जारी। तो सीएम की बारी, दिल्ली में मंथन जारी। ज्यादा वक्त नहीं गंवाते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं एक एक करके। मदन प्रजापत, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मदन जी आपका। अरुण शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत अरुण जी। महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका भी। पहला सवाल चूंकि बीजेपी से ही करना होगा, मदन प्रजापत जी हमारे साथ पहुंच गए। मदन जी, ये कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं मेरे पीछे, ये बता दीजिए वैसे आप क्या इन्हीं में से कोई अगला मुख्यमंत्री होने वाले हैं? देखिए रविंद्र जी, अभी विधायक दल की बैठक होने दीजिए, शीर्ष नेतृत्व को बैठने दीजिए, संसदीय दल और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। नाम नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पता है आप वो तो खैर बताएंगे नहीं, लेकिन इतना तो बता दीजिए ना ये चेहरे। नहीं, वो जो भी योग्यनाथ हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी भी हैं, या इनसे कोई अलग होगा ना? नहीं, आप जो दिखा रहे हैं, नहीं आप जो दिखा रहे हैं वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कैडर बेस पार्टी है, नहीं, और कार्यकर्ता और योग्य व्यक्तियों की या योग्य नेताओं की कमी नहीं है, तो ये भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। निश्चिंत तो हम हैं, जनता जानना चाह रही है, हम तो निश्चिंत हैं, जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है ना, बिल्कुल आपके जरिए कि कौन हो सकता है। अच्छा, महिला होंगे कि पुरुष होंगे? देखिए रविंदर जी, जो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, पार्टी के प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता बैठ के तय करेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं इतना बता सकता हूं कि जो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति क्या खूबियां होनी चाहिए आगामी मुख्यमंत्री में, क्या खूबियां होनी चाहिए? देखिए, हमने एक संकल्प पत्र लेके आए हैं, हाँ, और वो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हम विपक्ष में बैठे तो भी जनता की सेवा की, हाँ, और हम तो ये जानते हैं कि हमारा मकसद सत्ता प्राप्ति के अंदर मकसद इतना नहीं है कि सत्ता प्राप्ति तक ही रह जाए, हम तो योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को किस तरीके का लाभ मिले। जिस राजस्थान को बीमारू राजस्थान बनाया गया, जिस राजस्थान को महिलाओं के लिए जो साफ बनाया गया। अरे सर, मुझे ये बताएं, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, कौन ये योग्यता क्या होनी चाहिए, वही बता होनी चाहिए, युवा हो, तजुर्बेदार हो? मैंने आपको क्या बताया, योग्यता ही बता रहा हूं मैं रविंद्र जी। नहीं, आप तो बता रहे हैं कि आप तो ये बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि उनको क्या काम करना है, वो काम तो पता है उनको क्या करना है। काम नहीं, मैं योग्यता बता रहा हूं। नहीं, आप संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं को सम्मान का जीवन दिए ये योग्यता होना चाहिए। अच्छा, जो युवाओं का भविष्य को बनाए ये योग्यता है, जो गरीब को गणेश मान के सेवा करे ये योग्यता है, जो किसान को समृद्ध बनाए ये योग्यता है, जो राजस्थान को विकास की अग्रिम पंक्ति में लेके आए ये योग्यता है, जो राजस्थान की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए ये योग्यता है। तो हम तो इन योग्यताओं और इन पे कार्य करेंगे जो मुख्यमंत्री बने। इतनी सारी योग्यताएं कितने नेताओं में होंगी बीजेपी के, आपको क्या लगता है? हमने प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर है भारतीय जनता पार्टी के जी, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का है। हमारा तो लक्ष्य ही, हमारा तो मकसद ही, हमारी तो जो सोच है वो यही है
कि जनता को किस तरीके से, और ये देखा होगा आपने कोरोना काल में, ये कोरोना काल में जो सरकार थी वो 5-स्टार होटलों के व्यंजनों का लुत्फ उठा रही थी, और सड़क पे अगर कोई सेवा कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था, उसमें कैडर नहीं था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी थी, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष भी थे, प्रतिपक्ष के नेता भी थे, प्रतिपक्ष के उपनेता भी थे, उनका सबका लक्ष्य और ध्येय यही होता है। सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी तो चुनाव हार गए, आप योग्यता के जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तो चुनाव जनता उनको नहीं जीता है। बहरहाल अरुण शर्मा जी, ठीक है, मतलब ओके अरुण शर्मा जी, मुझे बताइए पहले तो ये बताइए जो हार का गम है उससे उबर गए हैं क्या? देखिए प्रजातंत्र है और इसमें खुशी गम ये सब पैकेज में शामिल है, तो इससे तो उबर गए हैं। अब अगला सवाल पूछिए। मुझे लगा थोड़ा लंबा जवाब देते हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास सवाल अगला तैयार ही रहता है। ये है सवाल अगला जी, कांग्रेस के पिछली बार 2018 में जितने दिन लगे थे मुख्यमंत्री का नाम तय करने में, ये तो भरोसा आपको भी होगा उतने दिन तो नहीं लगेंगे बीजेपी को? देखिए ये तो एंटायरली रविंदर जी उनका इंटरनल मामला है, प्रदेश के मुखिया का चुनाव होना है ये ठीक है, लेकिन मैं दिनों की बात कर रहा हूं, किसका चुनाव होगा उसका सवाल मैंने मदन जी से किया, लेकिन कितने दिन में होगा चुनाव मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप भी राजस्थान के हैं, हम भी राजस्थान के हैं जी। ये दिनों का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता अभी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग रेस आपने अभी कुछ तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें इससे ज्यादा लोगों की भी हो सकती हैं, कुछ तो कम हो गई इस चुनाव में, तो एक लोग उसमें शामिल थे रेस में वो अब नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि बीजेपी जिस मॉडल पे आज की तारीख में चल रही है रविंदर, हाँ मतलब पहले तो उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए था, फिर विपक्ष मुक्त भारत चाहिए था, अब क्या है कोई भी सीनियर शस्त्र बीजेपी में नहीं चाहिए, ये नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आप तो सिर्फ मुझे ध्यान से देखें और मोदी को देख के वोट दें। अरुण जी ने दिए हैं। अरुण जी ये बताइए जब चुनाव बीजेपी ने कमल के फूल के चेहरे पर लड़ा तब आप पूछते थे कि आपका दूल्हा कौन है, अब जब जनता ने उनको जिता दिया कमल के फूल के चेहरे के निशान पर, अब ये पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है जो आप भी कह रहे हैं, अब बनाने दीजिए कोई क्षत्रप हो या ना हो, काम बढ़िया करना चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए ना, क्षत्रप थे तो आपके क्षत्रप गहलोत जी हैं तो, जिनको ये पता ही नहीं चल पाया 25 सितंबर को क्या हुआ किसने किया? नहीं आपको अगर सिर्फ एक लाइन में मुझसे ये जवाब चाहिए कि कितने दिन लगेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा आसान उत्तर है इसका, सीएम बीजेपी में अब वही होंगे जिनको मोदी और शाह साहब चाहेंगे, वो पर्ची निकालेंगे, और अब उनको आश्चर्यचकित करने की भी आदत है, तो हो सकता है कोई ये जो अपन कयास लगा रहे हैं उसके बाहर भी कोई आदमी मौजूद हो, लेकिन ये जरूर कि वो उनका बिल्कुल आज्ञा पालक और इस टाइप का कैंडिडेट होना जरूरी है। पर्ची निकालेंगे कि आपने बात कही, पर्ची निकालेंगे तो ये पर्ची भी तो कोई भेजेगा ना, ये जो जवाब अरुण जी ने दिया है इस पर एक टिप्पणी छोटी सी मदन प्रजापत जी आपकी। देखिए अरुण जी अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखते हैं, कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता है जो सीधी बात का सीधा जवाब देते हैं, लेकिन मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरुण जी भी घुमा फिरा के और बड़े तरीके से आते हैं, ये कह रहे हैं कि पर्ची निकालेंगे और मोदी जी करेंगे, आपके यहाँ तो सोनिया गांधी जी ने तय किया था ना, चुनाव तो सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए थे, चुनाव तो सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और एक पत्र वहां से जो है सोनिया जी का लेके आ जाते हैं और यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं दूसरे के, हमने साफ कह के चुनाव लड़ा था। और अरुण जी आपके यहाँ होता है कि कौन तय करेगा कि एक परिवार एक व्यक्ति, और वही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री आला कमान या शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उसमें सब कुछ है, और हमने चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है, बिल्कुल हमारे पास में करिश्माई नेता भी है और यशस्वी। महेश शर्मा सर मुझे आप ये बताएं कि अब ये जो कवायद चल रही है, कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम आएगी, चर्चा उनसे करेगी, विधायकों से उनसे राय शुमारी करने के बाद फिर जो मत होगा उनका वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाकर डिस्कस करेंगे, फिर जाकर नाम आएगा, कितना दिन आपको लगता है इसमें?
और आपके लिहाज से वो कौन से नाम हो सकते हैं और कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन पर बीजेपी इस बार सीएम की जिम्मेदारी सौंपने जा रही है? देखिए, जहां तक है इस बार चौंकाने वाला नाम आ सकता है। अच्छा, एक तो ये, एक दूसरा जो विवादित ना हो, जिसकी छवि अच्छी हो और संगठन को साथ में ले जाने की क्षमता रखता, जिसमें भी अगर ये जो खूबियां होगी और जिसपे मोदी जी और क्या अमित शाह दोनों ही सहमत होंगे, वो यहाँ का नेता बन। अगले हफ्ते तक इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले हफ्ते तक, ये एक सप्ताह के अंदर अंदर शायद ये कर लें। मुहूर्त के मुझे मालूम नहीं है, मुहूर्त कौन सा निकाले, कब शपथ ग्रहण करे, जो भी जिसको भी डिक्लेयर करें। ये एक, चूंकि राजस्थान में इस बार सामूहिक रूप से जो नेतृत्व के साथ समन्वय बैठा करके ये चुनाव करवाए गए थे महेश जी, इसीलिए चेहरा सामने नहीं आया। महेश सर, आप तो प्रवक्ता की तरह, मैं हल्के अंदाज में, मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रवक्ता की तरह मत जवाब दीजिए ना, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बता दीजिए कि ये एक नाम, दो नाम, तीन नाम ये हो सकते हैं या ये नहीं हो सकते हैं या ये नहीं हो सकते। सुनिए, हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था। बोलिए सर। कि अब जैसे जिसमें निर्विवाद रूप में अगर आप ये देखें, हाँ, तो एक मुझे जो लग रहा है वो अश्विनी वैष्णव का लग रहा है। अच्छा, कि शायद संभव है क्योंकि उनमें ये दक्षता भी है, हाँ, और मैसेज भी एक चला जाएगा, हाँ, क्योंकि उन और साथ साथ ही उन पर कोई विवाद भी नहीं है। लेकिन बाद में जो राजस्थान में जिसके लिए जो चर्चित है, उसमें से तीन चेहरे तो ऐसे है जिस पर चर्चा, मतलब विवाद का विषय बना ही रहा है राजस्थान में, किसी न किसी रूप में। तो ऐसी सूरत में बता रहा हूँ कि निर्विवाद, जो मैंने बताया, जिसका निर्विवाद हो, प्रशासनिक क्षमता हो, ये अश्विनी वैष्णव जो है, मतलब क्या था ना, आईएएस कैटेगरी के रहे हैं, और दूसरी ये जो मतलब क्या था, जिस तरह से उन्होंने काम जो केंद्र सरकार में किया है वो भी उनका सामने, मतलब सब कुछ जाहिर तो है। बड़ी रिफाइंड आपकी चॉइस है, मतलब आपकी चॉइस नहीं, मतलब बड़ी रिफाइंड तरीके से आपने सिर्फ अश्विनी वैष्णव जी का ही नाम लिया, कुछ और नाम आपके नजरिए से? या एक ओम माथुर जिनमें सांगठनिक क्षमता है, ठीक है, सांगठनिक क्षमता है और वो निर्विवाद है, ये दो चेहरे जो है मेरे हिसाब से होने चाहिए, इनमें से कोई एक हो। ये आपके हिसाब से होनी चाहिए या बीजेपी इनके नाम पर मोहर लगाएगी? नहीं, मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ जी, इसके हिसाब से इन दोनों के नाम में से कोई एक व्यक्ति आ सकता। ये महेश जी ने बताया कि ये होने चाहिए या ये हो सकते हैं। निरंजन पोद्दार जी, अब ट्विटर को अगर खंगालते हैं तो आज कई सारे ट्रेंडिंग पे हैशटैग चल रहे हैं, उसमें सीएम ऑफ राजस्थान भी है, बाल मुकुंद आचार्य जी का भी, जो आज उन्होंने नॉनवेज को लेकर एक वीडियो रिलीज की है, वसुंधरा राजे भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, जाहिर तौर पे तीन राज्यों के चीफ मिनिस्टर को लेकर यहाँ पर है, इसमें किरोड़ीलाल सीएम बनाओ भी चल रहा है, इसमें दूसरी तरफ बालकनाथ का भी नाम लगातार चल रहा है, ये लगातार अभी ट्रेंडिंग पर रहेगा। लेकिन अभी आप बताइए जरा कि बीजेपी किस कवायद के साथ गुजरकर एक आम सहमति के साथ एक चेहरा जो कि सब मंजूर करें सीएम तय करने वाली है, घोषित करने वाली है? देखिए रविंद्र जी, जहां तक अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर दृष्टि डालें तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय ये चीजें मतलब आनन फानन में नहीं लेती, ये चीज देख करके लेती है, यानी कि बड़ी परिपक्वता से कोई भी निर्णय लेती है और उसके अंदर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों प्रकार का सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार ये चीज भी समझ के चल, मेरे हिसाब से चलेगी, उनके वो इस चीज का भी गुणा भाग लगा करके चलेंगे कि जिस तरीके से एक चुनावी एक वर्ष के अंदर अशोक गहलोत जी ने तमाम जो योजनाएं लागू की हैं राजस्थान प्रदेश के अंदर, चाहे वो 53 जिलों की हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो आप यह मान के चलिए कि जाते जाते वो वहां पर लागू राजस्थान के अंदर घोषित करके चले गए और जिनको अब आगे
कंटिन्यू रखना आगामी सरकार की और आगामी मुख्यमंत्री की मेरे हिसाब से जवाबदारी या यूं कहें कि उसका दायित्व माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर चक्कर क्या है कि अगर आप उन योजनाओं को रोल बैक करते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूं चिरंजीव योजना को अगर आप रोल बैक करते हैं तो जनता का कोप भाजन का पात्र आपको बनना पड़ेगा। और इन ऐसे कठिन कार्य को संभव करने के लिए आपको दो तीन चीजों की, देखिए हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र या संसदीय शासन मैं कहूं तो इसके अंदर आपको ब्यूरोक्रेसी के भी बहुत सहयोग की आवश्यकता है और आपको जो विपक्ष होता है खासकर विपक्ष जब मजबूत होता है तो विपक्ष के भी आपको सहयोग की बहुत जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत। रंजन जी आप भी लंबी बात कर रहे हैं, आप भी बता रहे हो ना, तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं फिर वही आ रहा हूं। मैं आपकी आपकी जो जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा नहीं है सर, जो हमारे दर्शक हैं जो राजस्थान के लोग हैं वो समझना चाह रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति को बहुत बारीकी समझते हैं, बीजेपी को जानते हैं, कांग्रेस को समझते हैं, तो कौन से वो कुछ नाम हो सकते हैं जिन पर चर्चा चल रही है? हाँ मेरा ये मानना है रविंद्र जी कि जो भी शुरुआती समस्याएं थी उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करके, और जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी एक अनुभवी नेता भी हैं और वहां के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनकी पूरी पकड़ भी है, वो आज राजस्थान कैडर का जितनी ब्यूरोक्रेसी है मेरे हिसाब से जो नई अभी 5 वर्ष के अंदर जो अपॉइंट हुए हैं उनकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन उससे पहले जितने हैं सबको वो व्यक्तिगत रूप से जानती है और तमाम जो विपक्ष साथ में जो अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के समझ लीजिए आज विपक्षी नेताओं के अंदर प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं उनके साथ भी उनकी मित्रवत प्रतिस्पर्धा है जो सभी उस चीज से वाकिफ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआती जो समस्याएं चुनावों के समय जब नजर आ रही थी पार्टी के अंदर कुछ, उन समस्याओं को दूर करके, उन कीलकांटों को दूर करके कहीं ना कहीं शायद ये जिम्मेवारी वसुंधरा राजे सिंधिया जी को ही दी जा सकती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों के अंदर रविंद्र जी जिस परिस्थिति में अब राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मेरे हिसाब से आने वाले जो मुख्यमंत्री है उनको आप ये मान के चलिए कांटों का ताज पहनना पड़ेगा। मदन प्रजापत जी मैं इसी पे बात कर रहा हूं, ये कांटों का ताज होगा, इसमें ज्यादा बड़ी चुनौती जो संकल्प पत्र है उसके काम करना होगा या सबको साथ लेकर चलना होगा? देखिए रविंदर जी, जब जब हमको राजस्थान में सत्ता मिली है, हाँ। जब जब कांटों का ताज ही मिला है, हाँ। खाली कोष मिला है, हाँ। और अनाप शनाय घोषणाएं मिली है जिनका, हाँ। धरातल पे उतरना और 5 साल बाद फिर रिवाज बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन 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 मैं ये कहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलती है, पिछली बार भी 2018 में भी देखा होगा आपने, तो हमको मात्र 1.5 लाख वोट कम मिले थे, उससे पिछली बार भी देखेंगे तो सर चुनौती क्या बड़ी होगी बीजेपी के जो, जो जो आगामी मुख्यमंत्री होंगे, क्या जो संकल्प पत्र है जो गहलोत सरकार की योजनाएं हैं उनको इंटैक्ट रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, काम की बड़ी जिम्मेदारी होगी, या सभी नेताओं को सभी विधायकों को साथ लेने की जिम्मेदारी ये ज्यादा बड़ी होगी, ये चुनौती होगी बड़ी? देखिए रविंदर, हम लोग योजनाएं बंद नहीं करते, समीक्षा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, योजनाएं बंद करने का काम कांग्रेस का होता है, जो 10,000 रुपए किसान को मिल रहे थे बिजली पे सब्सिडी, मुख्यमंत्री जी 3 साल तक कुंडली मार के बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है? आपको जो आप कह रहे हो ना योजना बंद करने, हां मैं योजना बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं है, आप निश्चिंत, मैं ये कह रहा हूं बड़ी चुनौती कुछ, हाँ। नहीं है, बड़ी चुनौती ये है कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है, जनता को निश्चिंत किया। अरुण शर्मा जी आपसे बेहतर, कांग्रेस से बेहतर कौन समझ सकता है चुनौती बड़ी? क्या कांग्रेस सरकार चलाने की होगी या फिर अपने साथियों को साथ रखने की होगी? देखिए वैसे तो होता है अपने या नहीं होता भारतीय जनता पार्टी, मदन जी मैं अरुण जी से सवाल कर रहा हूँ ये। हाँ वैसे तो मदन जी ने जो भावी मुख्यमंत्री है उनके गुण बताई दिए हैं आपको, और मैं मदन जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव प्रचार मेरे हिसाब से तो 23 नवंबर को समाप्त हो गया, अब ये बातें छोड़ देनी है जो वो कर रहे हैं, फैसला आ चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री में एक गुण और भी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में आजकल, कि आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी लचीली होनी चाहिए। सर वो डिसाइड कर लेगी बीजेपी, वो डिसाइड कर लेगी बीजेपी। मुझे बताइए जो खाली कोष बता रहे हैं, खाली खजाना जो है वो बता रहे हैं बड़ी चुनौती होगी, उससे निपटने की, जूझने की, जनता को राहत देने की। देखिए खाली खजाने की वाली मजाक चलेगी नहीं, स्पेशली ऐसे रिवॉल्विंग डोर वाले स्टेट में, 18 वरना तो बात हर 5 साल में आपको सुनाई देती है। महेश शर्मा सर जल्दी से एक चाहूंगा, एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी चुनौती आप बताइए, एक बड़ी चुनौती निरंजन जी बताइए आगामी मुख्यमंत्री। देखिए सब
आर्थिक जो चुनौती है वो राजस्थान के लिए सबसे बड़ी आर्थिक दूसरी है। निरंजन जी आप बताइए साहब। मेरे हिसाब से संघ संगठन सरकार और ब्यूरोक्रेसी और अपोजिशन सबको एक साथ साधना और इनके बीच में समझ से बिठाना मेरे हिसाब से आगामी मुख्यमंत्री की बहुत मदन जी कुछ कहना चाह रहे थे 5 सेकंड से मेरे पास वक्त नहीं आप शायद कुछ कहना चाहते नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करता हूं। देखिए जो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जो कांग्रेस ने यहाँ फैलाया है चुनौती यही है कि आर्थिक चुनौती है कानून व्यवस्था की जो माफिया राज इन्होंने वो ध्वस्त करेंगे यही चुनौती है। और बिल्कुल वो तो संकल्प पत्र में आपने जिक्र किया ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का। चुनौती बड़ी होगी क्या कांटों का ताज फूलों के ताज में तब्दील कर पाएंगे जो भी आगामी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल नाम का फैसला तो ये बीजेपी ही जानती समझती है कि कब तक जनता के सामने हो पाएगा।